पन की L4 L5 के प्रॉब्लम की ब्लॉकेज की वेन का नस का दब जाना, उसके लिए मैं ना एक चीज देता हूँ। उबड़ा का पन भी इंशाल्लाह ताला 3 से 4 माह के अंदर बहुत ज्यादा कवर हो जाता है, महसूस नहीं होता। ये जो मैं आज आपको अम्बल देने लगा हूँ, ये एक मेरे सीने की बात थी। मेरे कुछ दोस्त बैठे हुए हैं ग्रुपों की दुनिया में होते हैं, मैं ग्रुप का नाम तो नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे ऐड कर लिया। वहां गोल्ड तेल मोम तेल की बात चल पड़ी कि सोना कैसे तेल होता है, गोल्ड कैसे तेल होता है, मोम कैसे होता है। वो काफी लंबे चौड़े ग्रुप थे, उनमें एक हमारा फैसलाबाद का भी दोस्त था, उसका भी ग्रुप था, उसने मुझे ऐड किया। काफी उस्ताद अकराम थे जो मुझसे ज्यादा सीनियर थे, हर एक ने बदाम ने प्रैक्टिकल देना था। जब भाई बात प्रैक्टिकल की तो मेरे अल्लाह ने इस नचीज बंदे का इंतखाब किया, तो मैंने वहां पे गोल्ड को मोम तेल किया, फिर उस गोल्ड को मोम किया, फिर उस मोम गोल्ड की मोम से दुनिया की हर चीज को उसके अंदर बना कर दिखाया। फिर वो बंदा मेरे इनबॉक्स में आया, कहता नुस्खा दे। मैंने कहा अगर मैंने तुझे नुस्खा नहीं देना, वक्त आया तो इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया को दे दूंगा। कमाल है, जज़ाकअल्लाह। मैंने कभी दावा नहीं किया, मेरा दावा सिर्फ इंशाल्लाह ताला है या अल्लाह पे एक मोहकम यकीन है। मैं प्रैक्टिकल करने वाला बंदा हूँ, तो आप ये बनाए, दिल करे बनाए, दिल करे ना बनाए, आज मैं अपना अंदर खोल के आपको बताने लगा कि गोल्ड मोम तेल कैसे होता है। आपने क्या करना है कि आपने एक अच्छा असली नस्ली कलमी शोरा ले लेना एक पाव। अच्छा कलमी शोरा जमीनी एक पाव ले ले, एक पाव निशादर ले ले, निशादर को मुसफा कर ले। निशादर को मुसफा करने का भी अमल मैं आपको दे देता हूँ। निशादर ले, उसे पहले कपड़े से साफ करें, शावर हो या टूटी हो पानी वाली फुल तेज खोल दे, निशादर को नीचे धो दे। धोने के बाद उसे फिर खुश कपड़े साफ करके धूप में रख दे, मैल कचैल उतर जाएगी, नीट एंड क्लीन आपके पास निशादर आ जाएगा। वो एक पाव निशादर ले, एक पाव शोरा ले, इनको खूब खरल करे। खूब खरल करने के बाद इनको रिटार्ट में डाल दे। दो समझते हैं रिटार्ट क्या आती है, जब साइंटिफिक स्टोर से अरक शीत करने वाली जो सेंसी आला होता है रिटार्ट कहते हैं, उसे उसमें डाल दे। 100 डिग्री पे इसका पैमाना फिट कर दे, इसके आगे छोटा सा बीकर रख दे। जैसे इसका अरक निकलना शुरू हो जाए, थोड़ा सा अरक बीकर में आए तो उसमें 2 से 3 बिल्कुल लिक्विड की मानक खुराकी इस्तेमाल करना है, तो इसके 7 कतरे एक पाव पानी में डाल दे। फिर उस एक पाव पानी में एक स्टांक 1.5 लीटर वाली पानी की बोतल में डाल दे, उसका 1 टीस्पून रोजाना दे। ये मेरे तिब्बा हजरात कई दोस्त हैं जिन्होंने सऊदीया में मुख्तलिफ ममालिक में इसके साथ इलाज किया, जो टेढ़ापन पदेशी पहजपन इसके साथ उनके मामला रिकवर हुए हैं, रूल बैक हुए हैं। कमाल है। यहाँ तक तो गया खुराकी कैंसर तक, लीवर के आर्टिकल कैंसर तक, किडनी कैंसर तक, मेदे के कैंसर तक, बॉडी के हर कैंसर के लिए ये बड़ी जबरदस्त चीज है। अब आपने क्या करना है आगे, ये जो अर्क निकला है सोने का, इसे रेजेंटर रख दे। आस्ता आस्ता एक वक्त आएगा कि ये आग पे तेल उड़ना बंद हो जाएगा, फुल सुनहरी रंग का तेल होगा। जैसे आग पे रखेंगे ये तेल खड़ा होगा, नीचे उतारेंगे मोम बन जाएगी, इसकी तार खींच ले। इसके साथ एक रोला रसकपूर के साथ सिर्फ 3 से 4 रत्ती ये खरल करके इसे आग देंगे ना, पाओ 1.5 पाओ की आपका रसकपूर सिमल फार गंधक जो भी चाहे दिल लगाए ये मोमिया निकलेगी, वो सोना बने चांदी बने वो आपका नसीब है। बरकैफ, ये मेरे हाथ का किया हुआ मजरब अमल था जो मैंने आप दोस्तों की खिदमत में पेश कर दिया, और उस ग्रुप में मैंने लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया था। गाँव में यार।